This video is brought to you by the Bolo app. Bolo app के through आपको आपके queries या फिर questions के video solutions मिलते हैं और इस app के through आप one-to-one video consultancy sessions भी book कर सकते हो अपने favorite experts के साथ including me. है ना कमाल की चीज़? तो जाओ जल्दी से आपको check out करो. Links are given in the description. Alright, hello friends, welcome to my channel. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष रेड्डी. तो यार आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जी के बारे में. जी, ठीक है ना, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, होता क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन को बहुत बार हम लोग शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, समझने का ट्राई करो. जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है मतलब इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपने कभी भी इससे पहले उस तरीके से सोचा ही ना हो कि आप उस तरीके से क्वेश्चंस को, काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चीज क्या है हमारे पास में, कंसेप्ट यहां पर है हमारे पास में जी. जी इक्वल टू हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास में होता है. क्या होता है? जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास में होता है और इसी के अराउंड आज हमारा वीडियो जो है वो घूमने वाला है. जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास में वैल्यू होती है, इसी के अराउंड हमारा क्या वीडियो घूमने वाला है. ठीक है, बात करते हैं कि जी होता क्या है. जी जो है वो होता क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है हमारे पास में. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारे पास में होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. राइट, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. राइट, तो मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास में, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम टेकन. राइट, अब आप समझने का ट्राई करो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, धरती का प्रकोप कहां होता है, नीचे की तरफ. राइट, अभी मैं खड़ा हूं यहां पर, है ना, क्यों, क्योंकि धरती मेरे को पुल कर रही है. धरती का प्रकोप कहां है, नीचे की तरफ है. तो नीचे क्या होता है हमारे पास में, धरती का प्रकोप जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू हमारे पास में होती है जी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.81 समथिंग है, बट राउंड ऑफ करके हम लोग उसको 10 मानते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में कई बार. राइट, अब देखो इस जी 10 होने का मतलब क्या है, इस जी 10 होने का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो हमारे पास में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टेकन क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए. क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए. इसका मतलब अगर हम लोग टाइम को वन रख दें तो हमारे पास में जो जी आएगा वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आएगा. अगर हम लोग टाइम को वन रख दें, लेट्स से टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमारे पास में क्या होगा, जी विल बी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. इसका मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में जो हमारे पास में चेंज इन स्पीड है, जो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वो क्या है, 10 का है. जो क्या हमारे पास में, 10 का है. तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा हमारे पास में, 10 मीटर पर सेकेंड. राइट, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और बेसिकली क्या है, टाइम हमारे पास में कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास में स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. राइट, नीचे में क्या, एक ये सेकंड स्क्वायर है ना और यहां पर 1 सेकंड है, तो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वी स्पीड. स्पीड कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा. तो स्क्वायर हटके, सेकंड स्क्वायर हटके मीटर पर सेकंड बचेगा. राइट, और ऊपर अगर जा रहे हम लोग, कोई बॉडी अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस जी. कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि धरती का प्रकोप नीचे की तरफ है, बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ. तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, माइनस 10 आ जाएगा. उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस 10 विल बी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अगर टाइम 1 सेकंड है तो. इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, कि अगर कोई बॉडी नीचे जा रहा है तो हर 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी. लेट से अगर 40 है तो 10 सेकंड बाद क्या होगा, 40 क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा. समझने का ट्राई करें, क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा. इसी आपको समझ में आया क्या, क्वेश्चंस में बहुत बार इसका हेल्प होता है. ठीक है, और बच्चे इस तरीके से कभी सोचते नहीं है यार, जिस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं आज. मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से भी सोचो तो आपको क्या काफी बार हेल्प मिलता है क्वेश्चन में, और फील करने में भी बढ़िया लगता है. क्या चीज बोल रहा हूं मैं आपको, मैं आपको बोल रहा हूं कि लेट से क्वेश्चन है आपके पास में, लेट से कि आपको बोल रहा है कि बॉडी है, एक बॉडी है, लेट से केस वन बोल रहा है कि एक बॉडी है, एक बॉल है, लेट से उस बॉल को ऊपर फेंका गया, लेट से विद स्पीड 70, तो क्या यू इनिशियल कितना हमारे पास में, 70 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से ऊपर फेंका गया. आपको कोई बोलता है कि ये जो बॉल है हमारे पास में, है ना, ये जो बॉल है हमारे पास में, इसकी स्पीड क्या होगी 3 सेकंड बाद, इसकी स्पीड क्या होगी, वी क्या होगा, एट थ्री सेकंड क्या होगा हमारे पास में. तो आप क्या करते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाने लग जाते हो. राइट, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाने लग जाते हो. मैं आपको तरीका बताता हूं क्या करो, 70 है तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, 60 होएगा ना, क्योंकि g का मतलब ही वही है 10 मीटर पर सेकंड.
और एक सेकंड बाद क्या होएगा, 50 और एक सेकंड बाद 40, तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, 40 मीटर पर सेकंड। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो 3 सेकंड पर, राइट, समझ में आपको। कोई आपको बोलता है वी कितना है एट लेट से 9 सेकंड, एट 9 सेकंड इसका वी कितना है, स्पीड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है स्पीड की, क्या होगा हमारे पास में। अच्छा मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, हाँ डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 70 है तो सोच के देखो, क्या आपको फॉर्मूला लगाना नहीं हर समय, सॉल्व करना नहीं है आपको हर समय, कि आप क्या कर सकते हो, 70 है तो 70 से 60 होएगा एक सेकंड बाद, 60 से 50, 50 से 30, ऐसे करते करते 7 सेकंड बाद वो जीरो पे पहुंचेगा, है ना, इस तरीके से होगा ना हमारे पास में, 60 50 40 30 20 10 0, तो कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेकंड लगा ऊपर पहुंचने में, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा, वापस ऊपर से नीचे आएगा, तो क्या होगा 1 सेकंड बाद 10 होएगा, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो टोटल 9 सेकंड बाद कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड, इसमें डायरेक्शन क्या अपवर्ड। तो हमेशा आपको क्या v = u + at लगाना नहीं पड़ेगा हमको, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो, आप लोग इस तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करो, मैं बेसिकली ये चाहता हूं, ठीक है ना। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन था कि आपकी जो स्पीड है वो आफ्टर सम टाइम कितनी होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सिंपल सा एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट्स से एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको कोई बोल रहा है लेट्स से कि आपको कोई बोल रहा है कि इस तरीके से ऊपर फेंका गया, राइट, इस तरीके से ऊपर फेंका गया, आपको बोल रहा है कि जो स्पीड है वो लेट्स से आपके पास में कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड है। आपको ये बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ, तो आप लोग क्या करते हो, एक तो फॉर्मूला लगाते हो 2u sin θ / g, और sin थीटा की जगह यहां पर 90 डिग्री पुट करके 90 डिग्री वर्टिकल फेंका गया है, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, इस तरीके से सोचो कि यार 150 है तो 1 सेकंड बाद 140 होगा, 1 सेकंड बाद 130 होगा, 1 सेकंड बाद 120 होगा, फिर 110, फिर 100, ऐसे करते करते 15 सेकंड बाद 0 होगा, और फिर 15 सेकंड बाद वो वापस इस पोजीशन पे आएगा, राइट। पहले क्या होगा, 0 तक पहुंचेगा, फिर 0 के बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर वो बढ़ता जाएगा, वापस से वो इसी पोजीशन में आएगा सिमेट्रिकली, वापस से जब वो ऐसे आएगा 150, तो हमारा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केस में टाइम कितना आया, 30 सेकंड। अगर आप फॉर्मूला भी पुटअप करते तो क्या होता है फॉर्मूला, 2u sin θ / g, 2u sin θ / g, यू की जगह क्या पुट करोगे, यू की जगह पुट करोगे 150, साइन थीटा क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर फेंका गया 90 डिग्री, साइन 91 डिवाइडेड बाय जी वैल्यू 10, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो हर बार मैं चाहता हूं कि आप ये यूज मत करो, हर बार आप फॉर्मुला यूज मत करो, ठीक है ना, हर बार आप फॉर्मुला यूज मत करो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं बेसिकली ये चाहता हूं। ये तो हुआ लीनियर के अंदर में, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं प्रोजेक्टाइल के अंदर में किस तरीके से यूज होता है, प्रोजेक्टाइल के अंदर में कैसे यूज होता है। लेट्स से प्रोजेक्टाइल के अंदर में कैसे यूज होता है, आपको कोई बोल रहा है लेट्स से ये आपके पास में क्या है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेट्स से कि हमारे पास में क्या हो रहा है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। स्पीड मान लेते हैं हम लोग u = लेट्स से कितना मान ले, 200 मीटर पर सेकंड मान ले, और जो एंगल बन रहा है उसको लेट्स से हम क्या मान लेते हैं, 30 डिग्रीज मान ले, राइट। अब आपको कोई बोलता है कि यार टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो आप कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे आप 2u sin θ / g, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, सोचो ये जो 200 है इसका एक कंपोनेंट आप यहां देख लोगे वर्टिकल में, वो कितना आएगा 100, है ना, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना, तो ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आएगा हमारे पास में, इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट, एक vx होगा एक vy होगा, तो क्लियरली समझ में आ रहा है 200 cos 60 विल बी 200 × 1/2, मतलब कि 100, मतलब कि vy है हमारे पास में वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास में 100 मीटर पर सेकंड आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि टॉप मोस्ट पोजीशन में हमारा क्या होता है, vy जीरो हो जाता है, सिर्फ vx बचता है, राइट। तो हमारे पास में क्या है, vy को जीरो करना है, तो कितने सेकंड बाद vy जीरो होगा, अगर 100 है अभी तो 10 सेकंड बाद जीरो हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 10 + 10 = 20, क्योंकि यहां से यहां जाने का 10 और फिर यहां से आने का 20, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। वही चीज अगर आप करते हो 2u sin θ, 2 × u कितना है आपके पास में 200, तो 2 × 200 × sin θ, मतलब कि sin 30 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 10, तो आप करते हो तो क्या आता है आपको, कितना आता है आपको 2 × 4 = 40/2, 20 तो आता है ना,
तो फॉर्मूला से भी 20 आया, इस तरीके से सोच के भी आपका 20 आया। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप फील करो, हर बार आप क्या करो फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाओ, हर बार आप क्या करो फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाओ। लेट से आपको कोई बोल रहा है, लेट से आपको कोई बोल रहा है कि एक बॉडी है आपके पास में, ये हमारा केस थ्री था, लेट से कोई एक केस फोर ले लेते सिंपल सा, लेट से केस फोर, इसके पहले वाला केस थ्री था है ना प्रोजेक्टाइल वाला, लेट से आपको कोई बोलता है कि यार इस तरीके से है हमारे पास में कोई बोलता है कि लेट से हॉरिजॉन्टल स्पीड 100 है, 100 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रहा है लेट से इस तरीके से है, लेट से आपको बोलता है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, आपको बोल रहा है कि आप वी बताओ, वी एट आपको भी बोलता है कि आप वी बताओ एट 10 सेकंड, कि 10 सेकंड बाद जो वी है वो क्या होगी, राइट right? तो क्या होगा, ये बॉडी इस तरीके से मूव करने लगेगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हमारा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा तो वी एक्स हमेशा क्या होगा 100, क्योंकि वी एक्स हमेशा 100 ही रहेगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई भी चेंज इन वेलोसिटी तो है ही नहीं, जो भी चेंज इन वेलोसिटी वो हमारा क्या है इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो 10 सेकंड में क्या होगा, 10 सेकंड में क्या होगा, इनिशियली तो हमारे पास में वीएक्स था, इनिशियली वीएक्स था, वीवाई तो हमारे पास में क्या था, वीवाई इक्वल टू जीरो था इनिशियली, तो 10 सेकंड में क्या होगा, अगर वीवाई को देखे खाली, तो 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद 20, फिर 3 सेकंड बाद 30, समझ रहे हो, इस तरीके से 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, ऐसे 100 तक जाएगा कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड बाद वीवाई कितना हो जाएगा, वीवाई इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, फिर आप रिजल्टेंट निकाल लेना, रूट ऑफ वीएक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर आपका 100√2 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना आपको। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो फॉर्मूला लगाते हो हर समय वी इक्वल टू यू को आप इस तरीके से बैठाते हो है ना, कि भाई वी इक्वल टू यू इनिशियल जीरो प्लस आप करते हो जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू हमको टाइम करना है 10, तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप ओरली कर लिया करो जब भी मौका मिलता है ना, आप इस तरीके से बैठाया मत करो, आपका इनिशियल जीरो है वाई कॉम्पोनेंट, तो 10 सेकंड बाद वो 100 ही होने वाला है, क्योंकि हर 1 सेकंड में वो 10 से चेंज हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई करना स्टार्ट करो, बाकी चीज वही है लेकिन इससे फील बेटर आता है। कई बार क्या होता है आपको अगर ऑप्शंस को मार्क करना है, आपको अगर लेट से सॉल्व होकर नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है लेट से, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फील करना है ना, आपको बोल दिया कि यार इस मोमेंट पे स्पीड क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कहां जाएगा, फिर आप फील करके तुक्का मार सकते हो, आपको एक फील आ जाएगा कि किस तरीके से स्पीड वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जी है वो 10 है नीचे की तरफ, और अगर ऊपर जा रहा है तो हमारे पास में जो स्पीड है वो 10 से कम होती रहेगी हर 1 सेकंड में, समझ में आ गया आपको, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, हमने कुछ सीखा होगा, अगर हमने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके, बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।